बताया मैंने दिवाली के ये अभी नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, तो जो है मैंने दिवाली में ये पहन रखा था। तो आई होप वीडियो कैसा लगा मेरा, रंगोली बताइएगा, और पूजा भी किए थे वहाँ का भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। बेटा कुछ खाने के लिए ये लाइट दो। ऑफ कर दिया है, ये देखो ये कमल का फूल कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। बट ये है, ये लक्ष्मी या गणेश पूजा के दिन ही आता है, मतलब दीपावली के दिन, तो कितना अच्छा लग रहा है ना भगवान जी। बस मन हो रहा है ना बैठ के यहाँ पे ना बस देखती रहूं। और ये, हाँ बेटा, और ये लहंगा ना, ये क्या है, ये देखो ये फ्लावर भी, इसके साइड में फ्लावर्स भी लगाए हुए थे बट फ्लावर ना हटा दिए क्योंकि बच्चे ना मतलब ये रहने नहीं देंगे। बट मुझे सोच रही हूँ मैं इसको भी रहने दो दिन कम से कम, क्योंकि सिंपल सही है बट मेहनत करके बनाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और ये लहंगा ना मेरा एट क्लास में मैं थी ना तब का है, यानी कि ये मेरे शादी 10 और 12 13 साल, 13 13 साल पुराना, 12 या 13 साल ये लहंगे का हो गया, मतलब ये बहुत पुरानी है बट इसका जो चमक है अभी भी बिल्कुल नए जैसा है। और मैंने पहनी थी पायल बिछिया। तो चलो कैसा है मेरा लहंगा बताना, और मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो ये 13 13 साल पुराना लहंगा है बट अभी भी मुझे नया लगता है, और पता नहीं और कितने साल मैं इसको पहनूंगी। तो चलो बताना आप लोग कितने संभाल के किसी चीज़ को रखते हो, मैं तो बहुत संभाल के किसी भी चीज़ को रखती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।